एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको गणित के कुछ खास फॉर्मूले जो आपके एग्जाम में या दैनिक जीवन में उपयोगी हो सकते हैं। सभी मेरे स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। क्षेत्रमिति के जो मेन मेन फार्मूले हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका सूत्र है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीन भुजाओं का योग। इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस, कोष्टक एस माइनस ए, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक एस माइनस बी, कोष्टक बंद, और फिर कोष्टक एस माइनस सी और कोष्टक बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के प्रकार हैं उनके क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बता देते हैं आपको। समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर ए अपॉन 4 बी अंडर रूट कोष्टक 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कोष्टक क्लोज। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इक्वल टू ए अपॉन 4 बी अंडर रूट कोष्टक 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक क्लोज। परिमाप पी बराबर 2a+b। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती है, अर्थात कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है। विषमबाहु त्रिभुज के सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर अंडर रूट कोष्टक एस माइनस, फिर कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कोष्टकों का क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है। दूसरे रूप में ए बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अर्धपरिधि पी बराबर 1/2 कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी और कोष्टक क्लोज। समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का सूत्र। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 2+√2 कोष्टक क्लोज इनटू भुजा कोष्टक बंद के साथ में ये करना है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण इक्वल टू कोष्टक अंडर रूट टू कोष्टक इनटू भुजा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा इनटू भुजा। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का सूत्र। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कोष्टक अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू भुजा इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इक्वल टू कोष्टक अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू भुजा। परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा। आयत। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का के साथ विकर्ण भी समान होते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई।
आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट कोष्ठक लंबाई 2 प्लस चौड़ाई 2। वर्ग, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा इंटू भुजा और कोष्ठक ए स्क्वायर कोष्ठक क्लोज। वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा इंटू 4a। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू भुजा इंटू अंडर रूट 2। फिर बढ़ते हैं, भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार इंटू संगत ऊंचाई। परिमाप है इसमें P बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज एक ऐसी समतल आकृति होती है जिसके चारों भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज के फॉर्मूले कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो 360 के ऊपर जो बिंदु है ये छोटा सा, इसको डिग्री बोलते हैं। विषम कोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज की परिमाप बराबर 4 इंटू 1 भुजा। सम चतुर्भुज में इक्वल टू ग्रेटर देन कोष्टक ए सी कोष्टक स्क्वायर प्लस कोष्टक बी डी कोष्टक क्लोज स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी। परिमाप इक्वल टू एस बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बहुभुज का फार्मूला एन भुजा वाले चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 180 डिग्री। एन भुजा वाले बहुभुज के 22 कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज के कुछ अंतः कोणों का योग इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। एन भुजा वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री अपॉन एन। बहुभुज की परिमिति इक्वल टू एन इंटू 1 भुजा। नियमित षटभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 4√3 भुजा स्क्वायर। एन भुजा वाले समबहु भुज के प्रत्येक 22 कोण का 360 डिग्री अपॉन एन। नियमित षटभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 3√3 × 1/2 भुजा स्क्वायर। सम षटभुज की भुजा परिवृत्त की त्रिज्या नियमित षटभुज की परिमिति इक्वल टू 6 × भुजा। एन भुजा वाले नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या इक्वल टू एन एन माइनस 3 अपॉन 2। अब बढ़ते हैं वृत्त के फार्मूले। वृत्त के फार्मूले की ओर चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का व्यास इक्वल टू 2r। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। वृत्त की परिधि इक्वल टू पाई डी। वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू अंडर रूट वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन पाई। पाई का मान होता है 22/7। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई आर माइनस आर टू माइनस आर टू। अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर प्लस टू पाई आर सॉरी पाई आर प्लस टू आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर।
त्रिज्या खंड का खंड एवं वृत्त खंड का फार्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा 360 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, त्रिज्या खंड की परिधि इक्वल टू 2 आर प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, वृत्तखंड की परिमिति इक्वल टू एल प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री जहां एल बराबर हो जीवा की लंबाई, घन का फार्मूला और घन का आयतन भुजा इंटू भुजा टू भुजा इक्वल टू A3, घन का परिमाप इक्वल टू 4A2, पार्श्व पृष्ठ का एक किनारा अंडर रूट पार्श्व पट का पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन 4। बढ़ते इसी क्रम में आगे, घन का एक किनारा इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू 3 अंडर रूट आयतन। बढ़ते इसी क्रम में आगे, घन का एक किनारा इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन 6। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 6A2। घन का विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू भुजा। घनाभ का फार्मूला, घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, घनाभ की ऊंचाई इक्वल टू आयतन अपॉन लंबाई इंटू चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई इक्वल टू आयतन अपॉन लंबाई इंटू ऊंचाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो इक्वल टू 2 इंटू एच कोष्टक एल प्लस बी। ढक्कन रहित टंकी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एच कोष्टक एल प्लस बी कोष्टक बंद वापस प्लस एल बी एल इंटू बी। छत या फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। बेलन का फार्मूला बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई आर टू एच सॉरी बेलन का आयतन बराबर पाई आर टू एच। बेलन की ऊंचाई इक्वल टू आयतन अपॉन पाई आर स्क्वायर। लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या इक्वल टू अंडर रूट आयतन अपॉन पाई एच। खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन बराबर पाई एच आर टू माइनस आर टू स्मॉल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर इन कोष्टक। लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई इक्वल टू बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन 2 पाई आर माइनस आर। लंबवर्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। शंकु का सूत्र, शंकु का आयतन बराबर 1/2 पाई आर टू एच। लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट कोष्टक एच टू प्लस आर टू। शंकु की ऊंचाई बराबर अंडर रूट एल टू माइनस आर टू। शंकु की आधार की त्रिज्या इक्वल टू अंडर रूट एल टू माइनस एच टू। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। लंबवर्तीय शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं गोला का फार्मूला क्या क्या है। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर टू। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर थ्री। गोलीय सेल का आयतन बराबर 4/3 पाई कोष्टक R3 माइनस R3 स्मॉल। और गोलीय सेल के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र
बराबर 4/3 पाई कोष्टक आर टू और स्मॉल आर टू। घन ने सबसे बड़े गोले का आयतन, घन के सबसे बड़े गोले का आयतन बराबर 1/6 A3। घन में सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर टू। गोले में सबसे बड़े घन की एक भुजा इक्वल टू 2R/√3। अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2π r² किसी अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3π r² अर्ध गोले का आयतन बराबर 2/3π r³। प्रतिशत के सूत्र में चलते हैं। प्रतिशत के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि क्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत अपॉन 100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य, हानि बराबर हानि परसेंट अपॉन 100 माइनस हानि इंटू विक्रय मूल्य। बीज गणित के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab कोष्टक ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए 3 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3ab² प्लस b³ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए 3 प्लस बी 3 प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू 2a³ प्लस 3ab², ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2a इन कोष्टक ए स्क्वायर प्लस 3b², ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 3² प्लस बी 2b³, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2b इन कोष्टक 3a² प्लस b² ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a² टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab,
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए माइनस बी, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए क्यूब सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके प्यार में कमेंट बॉक्स में। आपका प्यार में कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।